स्वागत है guys। और हल्दी सेरेमनी का वीडियो आपने देखा था और पार्टी आज ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैं बहुत बिजी था, इस वजह से यहाँ का व्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन फाइनली पार्टी ख़त्म हो चुका है, ये दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं। देखिए देखिए वो दूल्हन, ये दूल्हा ठीक वो जो है पिंक कलर का, वो उसका भाई है और भाई है। हाँ मैं भी भाई हूँ। तो अभी वह पार्टी वार्टी कंप्लीट हो चुका है और खाते हैं आपको कि यहाँ पे का डेकोरेशन कैसा था, ठीक है ना। और ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, परी। हाँ तो इसका नाम परी है लेकिन उड़ने नहीं पाती है, जमीन में रहती है। जमीन वाली परी है जैसे। तो अरे अरे तो दिखाते हैं आपको अभी डेकोरेशन कैसा हुआ था, ठीक है। चलिए हेलो गाइस, तो देखिए गाइस आ गए हैं, इधर सब लोग बैठे हैं, खा पी के सब पूरा रेडी होके बैठे हुए हैं। और इधर का डेकोरेट ऐसा हुआ था, देखिए ये मंडप बना हुआ है और यहाँ पे शादी यहीं पे हुआ। और देखिए पूरा एकदम मस्त लग रहा है ना, झकास। और इधर पूरा सब फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, देखिए सब मेरा इधर कम्प्लीट हो चुका है, फोटो वोटो खिंचा लिए, अभी फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। और कैसे फोटो शूट हो गया पूरा डन, इधर भी डन। चलो ठीक है गाइस, तो देखिए ये देखिए पूरा ये ख़त्म हो चुका है और ये देख रहे हैं इधर फोटो शूट चल रहा है। हाँ हाँ सब लोग तो रेडी हो गया। कैमरामैन ऋषिकेश, रिशु कैमरा में, रिशु। तो गाइस पूरा देखिए पार्टी समाप्त और यहाँ पे एक अकेली लड़की बैठी हुई है, क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फेसबुक चला रही है, क्या चला रही हो, इंस्टा। ओ इंस्टाग्राम में देखो, फॉलो कर दो लड़की को, ठीक है, क्या नाम है। चलो ठीक है फिर आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ का डेकोरेशन, वैसे क्या डेकोरेशन दिखाएं। शादी में इतना बिजी हो गया था कि वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन अभी वीडियो बना रहा हूँ आपको और पूरा पूरा खाली। ऐसा था कुछ यहाँ का डेकोरेशन और पूरा खाली हो चुका है, यहाँ पे लगा हुआ था खाना होना और मैं वीडियो नहीं बना पाया। अच्छा देखना DN माई ब्लॉग संदीप जी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए का तैयारी कर रहे हैं, सामान को लेंगे, ये गाड़ी में डालेंगे और हो जाएंगे फरार। देखिए गाइस पूरा सुनसान हो चुका है, इधर भी सुनसान हो चुका है, इधर भी सुनसान हो चुका है। लोग ठीक है गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कुछ बोलना चाहोगे। ये लड़की का भाई है एक्चुअली, बहुत ही बिजी था सुबह से बेचारा, तो मिला नहीं। बेचारा नहीं, बेचारा बन गया था यार। नहीं, बेचारा नहीं बोला जा सकता है। तो मतलब भाई लोग का फर्ज रहता है ना कि बहन की शादी में पूरा बहुत बिजी रहो, मतलब भाई लोगों को ना मतलब तैयार होने का टाइम भी नहीं मिलता। मुझे पता है शाम को 7 बजे नहा के आया हूँ यहाँ पे, बसाई में बहुत बिजी था गाइस, बहुत हम ना इसको बिजी बहुत
मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला था इसको, इतना सुबह से बिजी और किसी के पास बात करने के लिए इसके पास 5 मिनट भी टाइम नहीं था। अभी फ्री हुआ है ये लड़का। हाँ लेकिन किसी के लिए टाइम निकाल ले। हाँ किसी के लिए टाइम निकाले तो मतलब समझ लो किसी के लिए, वो कौन है, कौन है वो जिसके लिए टाइम निकालते हो। हाँ सूरज यहाँ पे आने, यहाँ पे मेरा कन्वर्सेशन पूरा कर लो। कौन था वो जिसके लिए टाइम निकालते हो? नहीं वो मैं नहीं बता सकता, वो सीक्रेट। सीक्रेट मतलब नेक्स्ट ईयर इसी शादी होने वाला लग रहा है। नहीं शादी तो नहीं, लेकिन आगे प्लान है। आगे प्लान है मेरे से पहले इसी की शादी हो जाएगा लग रहा है। नहीं इसका पहले होगा फिर मेरा, क्योंकि ये मेरे से बड़ा है और मैं छोटा हूँ। तब भी मैं सबसे लास्ट में शादी करूँगा। मतलब सलमान खान का मैं इतना बड़ा फैन हूँ ना कि मैं शादी अभी नहीं करना चाहता, मैं बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। पहले ये शादी करेगा और फिर उसके बाद मैं आई करूँगा। चलो देखते हैं इसका शादी पहले होगा, क्योंकि ये मेरे से कुछ साल के लिए बड़ा है और मैं काफ़ी छोटा हूँ इनसे। देखते हैं बाद में शादी होता है, उसके बाद ये पहले शादी करेंगे। देखते हैं पहले शादी किसका, मेरे को लग रहा है पहले शादी इसका हो जाएगा। नहीं मेरा शादी नहीं हो सकता। ये जो फोन में जो दो दो घंटा तीन तीन घंटा बात करता है उसका शादी पहले हो जाता है गाइस, ठीक है। तो इतने बात करते हो ना ये, लेकिन बहुत देरी बात करता है फोन में। अच्छा मेरे को लग रहा है शादी पहले इसका हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, उधर रेशमी बात, रेशमी रेशमी को बोलो, रेशमी को मेरे ब्लॉग में आएगा। रेशमी वो उधर कुछ बोलना चाहोगे? फोन भी लेंगे तो काम। ये कौन है? हाँ ये है अंशु। गाइस आप देख सकते हैं, गाइस देखिए इसका नाम है अंशु और ये बहुत शर्माती है, थोड़ा बहुत शर्मीला लड़की है। उधर देखो अरे शर्मा का रही होगी, इधर देखो कितना शर्मा। देखो ये है अंशु, ये कुछ बोलना चाहेगी क्या? बोलो कि कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहती है अभी, थोड़ी सी बहुत ही शर्मीली है। मोबाइल पे इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रही है और चला रही है व्हाट्सएप, इसलिए बहुत बिजी है वो। पर खैर कोई नहीं, से ऊपर इधर देखो अंशु, एक बार देखो अंशु, अंशु अंशु नाम है। बहुत स्माइल, मस्त स्माइल करती है ना ये, उसको स्माइल बहुत अच्छा, बहुत क्यूट है। ये है सबसे शैतान बच्चा, दिन भर हल्ला करते रहता है, पता नहीं पूजा पाठ चल रहा है भाई। तो गाइस जो दुल्हन थी, दुल्हन की सबसे सबसे छोटा भाई है उससे मिलवाता हूँ और उसका उसके बाद उससे हाल चाल पूछते हैं कि उसका कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैमरे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। बाय गाइस, मैं सुबह से काम करते 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 थक गया। इसके चेहरे पे देखिए 12:13 है और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, अभी मैं घर जाके थोड़ा सा सोऊंगा, उसके बाद सुबह जल्दी भी उठना है। हाँ सही है, सुबह जल्दी उठना है गाइस, काफ़ी ज़्यादा काम है। घर और अभी 1 बज गया है, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे अब दुल्हन को विदा करने का टाइम आ गया और अभी दिखाते हैं आपको कि दुल्हन का विदा कैसे हो रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, और ये दुल्हन दुल्हन को भी ले जा रहे हैं। तो ये कैमरा मैन वो साइड में रख रहा है, मैं जाऊंगा, मैगी कौन खिलाएगा? वो लोग जाते हैं, कोई किसी का पता नहीं। जावा गए हवा तो था बाबू के साथ। अच्छा बढ़िया,
love it, rab bhi main hai sitte aaye the sara shehar aaj ho gaya ve rab bhi main.